नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बैंक अकाउंट से आधार लिंक है या नहीं, कैसे पता करें। जी हाँ, आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक है या नहीं आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। बस आपको ये वीडियो पूरा वॉच कर लेना है। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल पर बनाते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले चले जाना है अपने गूगल पर, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है UIDAI। जैसे आप इतना सर्च कर लेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। माई आधार का ऑप्शन दिख जाएगा या UIDAI का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप उस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक कर लेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको सबसे नीचे चले जाना है। जैसे आप सबसे नीचे चले जाएंगे आधार सर्विस का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको आधार सर्विस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप आधार सर्विस पर क्लिक कर लेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको सबसे नीचे चले जाना है। जैसे आप सबसे नीचे चले जाएंगे आधार लिंकेड स्टेटस का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको आधार लिंकेड स्टेटस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको सबसे नीचे चले जाना है। जैसे आप सबसे नीचे चले जाएंगे बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक कर लेंगे फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, जो कैप्चर कोड दिख रहा है तो कैप्चर कोड यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर और कैप्चर कोड डाल देते हैं। लॉगिन विथ OTP पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन विथ OTP पर क्लिक कर लेंगे आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन पर OTP आ गई है, तो यहाँ पर हम OTP डाल देते हैं। जैसे आप OTP यहाँ पर डाल देंगे फिर आप लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट पर आपका आधार यहाँ पर लिंक है। यहाँ पर आपका आधार नंबर शो हो जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक सीडिंग स्टेटस हमारा एक्टिवेट है। तो आप ऐसे ही चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं।